नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज की 19 साल की छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी के आत्महत्या करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए हैं, यही सच्चाई है। उन्होंने छात्रा के परिवार वालों के साथ संवेदना भी जताई। राहुल गांधी ने नोटबंदी, लॉकडाउन जैसे कदमों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। रविवार को नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर भी उन्होंने इसे गरीब विरोधी कदम बताया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के जरिए कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया। ऐश्वर्या तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की रहने वाली थी और उसके पिता मोटर मैकेनिक थे। पिता का कहना है कि उनकी बेटी IAS बनने का सपना देख रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि लॉकडाउन के दौरान उसके लिए एक पुराना लैपटॉप ही खरीद सके। राहुल गांधी ने एक न्यूज साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि इस अत्यंत दुखद घड़ी में इस छात्रा के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए, यही सच्चाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या लेडी श्रीराम कॉलेज से BSc मैथमेटिक्स की छात्रा थी। 12वीं कक्षा में 95% मार्क्स हासिल करने वाली ऐश्वर्या ने 2 नवंबर को अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐश्वर्या ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पढ़ाई परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है, लेकिन अगर वो पढ़ नहीं सकती तो उसे जीने का हक नहीं है। दिल्ली में ऐश्वर्या के एडमिशन के लिए भी उनके पिता श्रीनिवास ने घर को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी किश्त वो अभी तक चुका रहे हैं। श्रीनिवास का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद रहने से आर्थिक हालत और खराब हो गई। 6 महीने बाद दोबारा दुकान खुलने के बावजूद कारोबार पटरी पर नहीं आ पाया था। ऐश्वर्या के पिता ने बताया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं कर्जा लेकर उसे पढ़ा रहा था, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।